Hello students, welcome back to YouTube channel. My name is Priyanka, your educational counselor in Pride Future Abroad Studies. I hope आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बेस्ट स्कोर के साथ इंडिया की गवर्नमेंट से सिक्योर कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कुछ मार्क्स की वजह से वो गवर्नमेंट की सीट नहीं सिक्योर कर पाएंगे और उनका मेन जो मोटिव रहेगा वो MBBS अब्रॉड के लिए रहेगा. सो MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए कंट्री या फिर यूनिवर्सिटी कौन से सेलेक्ट करे, कौन से चूज करे, उससे भी ज़्यादा उनका कंसर्न, मेन कंसर्न ये रहता है कि वो स्टे कहाँ करेंगे, लाइक विच इज बेटर ऑप्शन फॉर देम, लाइक हॉस्टल और फ्लैट्स. तो ये वीडियो इसी पे डिपेंड है कि आपके लिए क्या सही रहने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं हॉस्टल से. सपोज इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन जॉर्जिया, रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं. सो यहाँ का जो साल का जो खर्चा आता है ईयरली, इट विल कॉस्ट अराउंड $600 to $1200, डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. इसके अलावा जो आपको चार्जेस पे करने होते हैं वो होता है आपका फूडिंग कॉस्ट, आपका वाईफाई का बिल, आपकी लॉन्ड्री सर्विस. तो इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसमें आपका जो पूरे साल का खर्चा आता है इट विल 2500 to $3000 पर एनम. सो हम जो स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चा पहली बार बाहर किसी कंट्री में जा रहा है तो उसको हॉस्टल की सर्विस लेनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो एनवायरमेंट होते हैं वहाँ पे उनको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट एनवायरमेंट उनको मिलता है जिसमें वो ग्रुप में स्टडीज कर सकते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन्हीं के स्टेट्स के होते हैं तो उनके लिए वो कन्वीनियंट रहता है. प्लस उनका जो हॉस्टल की जो सर्विस होती है वो एकदम कैंपस के नियर बाय लोकेशन पे ही होती है, तो उनका टाइम भी बचता है इसमें और उनका जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग कॉस्टिंग वो भी बचती है. हॉस्टल्स के जो रूम होते हैं वो 3 to 4 शेयरिंग रूम्स होते हैं. इसमें आपको 2 शेयरिंग रूम भी मिल जाते हैं, बट इसके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं कम्पेयर टू 3 to 4 शेयरिंग रूम्स. जो रूम्स होते हैं विद बेसिक अमेनिटीज, जिसमें आपको बेड मिलता है, आपको स्टडी टेबल मिलता है, आपको चेयर मिलती है वहाँ पर, आपको अटैच किचन मिलता है, वॉशरूम होता है. सो ओवरऑल जो हॉस्टल्स के जो रूम होते हैं वो अच्छे रहते हैं. वहीं अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो हॉस्टल की पूरी 24/7 सिक्योरिटी रहती है, जिसमें सारी चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से होती है कि स्टूडेंट कब तक आप अपने हॉस्टल में एंट्री आप कर सकते हो, कितने टाइम लिमिट के लिए आप बाहर जा सकते हो रात के टाइम पे स्पेशली. तो ये बहुत अच्छी रहती है स्टूडेंट की सिक्योरिटी को लेकर. तो भाई बात करते हैं फ्लैट की. तो फ्लैट के जो फ्लैट का जो रेंट होता है वो टोटली डिफरेंस होता है हॉस्टल के चार्जेस से, और इट इज़ अप टू यू कि आप कितना अफोर्डेबल और कितना एक्सपेंसिव फ्लैट आप लेना चाहते हो. ऑल्सो आप फ्लैट में कितने लोग रह रहे हो ये भी कॉस्टिंग पर जो है इफेक्ट करता है. फ्लैट के रेंट के साथ साथ आपको हर एक चीज़ का अलग अलग चार्जेस पे करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अलग से पे करना होता है, वाईफाई के चार्जेस हो गए, गैस बिल, वाटर बिल. तो इन सब के जो चार्जेस होते हैं वो आपको अलग, मतलब जो रेंट के जो फ्लैट का जो रेंट का जो चार्ज है उसके अलग हटके आपको पे करना पड़ता है. गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूसेज पर डिपेंड करता है, जितना आप उसको यूज़ करोगे उतना ही बिल आपको मिलेगा. मेस चार्जेस के बारे में बात करूँ तो हॉस्टल में जो मेस आपको मिलता है वो आपको $120 to $150 आपको पड़ जाता है मंथली. वहीं अगर मैं फ्लैट्स में बात करूँ तो फ्लैट्स में अगर आप बाहर से खाना मंगवा के खाते हो तो वो $120 to $150 में आपका मंथली नहीं निकल पाता है, वो हॉस्टल के चार्जेस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. वहीं अगर आप सेल्फ कुकिंग भी अगर आप करते हो फ्लैट में तब भी वो एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू हॉस्टल चार्जेस. अकॉर्डिंग टू मे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में हॉस्टल्स में रहना चाहिए, स्टूडेंट एनवायरमेंट में रहना चाहिए, ताकि वो हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ सके. आई गेस एक साल बहुत होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए. उसके बाद अगर वो फ्लैट्स में अपार्टमेंट में रहना चाहे तो वो मूव कर सकते हैं. सो एज द डिटेल्स अबाउट हॉस्टल वर्सेस फ्लैट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड एनी यूनिवर्सिटी और एनी क्वेरी सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर.